नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अपने चैनल के माध्यम से लगातार ये कोशिश की है कि भारत में पाए जाने वाले विभिन्न जातियों का इतिहास पर चर्चा किया जाए, और कोशिश मैं ये करता हूँ कि जो वैज्ञानिक तथ्य हैं उन आधारों को विषय की मूल बनाकर उस पर चर्चा किया जाए। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं कि 2019 में हम एक विज्ञान के युग में जी रहे हैं, तो ऐसे में हमें किसी भी तथ्य को विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही पराक्रमी जाति के बारे में, जिसको कहा जाता है लोहार जाति। दोस्तों, इस वीडियो में लोहार जाति का एक पार्ट पहले से आ चुका है, जो आप मेरे चैनल में जाने के बाद आप ढूंढ सकते हैं लोहार जाति का इतिहास। और इसके इस वीडियो के बाद एक और पार्ट आएगा जिसका नाम होगा लोहार जाति एवं गड़िया जाति का इतिहास। इसमें गड़िया लोहार के भी बारे में हम चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोहार जाति का वो कौन सा इतिहास रहा है, या लोहार जाति को हम भारतीय इतिहास, जो हमारा आध्यात्मिक इतिहास रहा है, वैदिक कालीन हिस्ट्री रही है, उसमें हम कहां से ढूंढ कर ये पता कर सकते हैं कि लोहार जाति का उदय उस जमाने में कब और कहां हुआ था। तो दोस्तों, हमें लोहार जाति को जानने के लिए यदि हम अपने वेद पुराण एवं अपने पौराणिक इतिहास की पुस्तकों में पलटें, तो हमको मिलेगा कि जहां पर हम इतिहास में लोहार को होने या लोहार के पाए जाने की संभावना अगर देखें, तो हम देखेंगे कि रावण संहिता में अगर हम खोजने की कोशिश करें और रामायण में भी हम देखें, तो हमको मिलेगा कि रावण के टाइम पर रावण ने अपने जमाने में लंका में सुना होगा आपने एक किंवदंती है कि रावण ने शनि देव को अपने यहाँ कुएं में उल्टा बांधकर लटका रखा था। तो दोस्तों, ये एक विषय है, ये एक किंवदंती है, लेकिन अगर इस पर हम वैज्ञानिक ढंग से ध्यान देना शुरू करें तो हमको ये पता चलेगा कि रावण के समय में, यानी कि राजा राम के टाइम में, आज के 10-15 हजार साल पहले, जब त्रेता युगीन राम यहाँ पर पैदा हुए थे और उस समय रावण जब यहाँ हुआ करता था, तो उस टाइम पे लोहार जाति का उदय हो चुका था। दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि लोहे की खोज और लोहे की खदान से संबंधित जो जाति, या लोहे के व्यवसाय या लोहे से संबंध रखने वाली जो जाति भारत या इस पृथ्वी पर पाई जाती है, उसको लोहार जाति कहा जाता है। तो दोस्तों, इतिहास में यदि आप खोजें तो बहुत पुराने इतिहास में ही लोहार, यानी कि उनके देवता शनि, जिनको बताया जाता है लोहा के देवता शनि, उनको रावण ने उल्टा बांधकर लटका रखा था। यहीं से ये बात निश्चित हो जाती है कि रावण के टाइम से ही लोहार जाति की उत्पत्ति हो चुकी थी, और आप वहीं से ये क्लियर भी कर सकते हैं कि रावण ने लोहार वंशों पर बहुत ज्यादा अन्याय किया था। और क्योंकि उसके शास्त्रों में किंवदंती मिलेगी कि उसने शनिदेव को उल्टा लटका रखा था, यानी कि लोहारों के ऊपर बहुत अन्याय किया था, और लोहे से संबंधित जो भी लोग थे उनको लगातार काम पर लगा रखा था। ये दोस्तों, एक चीज आपको यहाँ और समझने की है कि जो लोग मेरे चैनल पर आकर कमेंट करते हैं कि ये ऐसा नहीं है, वेदों में वर्ण व्यवस्था है, ये वो लोग कृपया कुछ किताबें पढ़ें। अगर वो आप सभी कुछ किताबें पढ़ना चाहते हैं तो आप अमेजॉन पे, जो मैं लिंक दिया हूँ, अमेजॉन पे एक लिंक है, उस पर जाकर के आप किताबों को सर्च करिए, जिसमें आपको अच्छे वेद, अच्छे पुराण, जिनको खंडित किया गया और उसके बाद कुछ सुधार करके उनको सही करके लिखा भी गया है, तो ऐसी पुस्तकों के संपर्क में आप आए। कम से कम किताबों को खोलें, किताबों को खोलने के बाद यदि आप पढ़ते हैं तब आप कमेंट करें कि हाँ, वहां पर जाति व्यवस्था मर्ण व्यवस्था बताई गई थी, और यदि वैसा नहीं है तो आप आके किसी और का कमेंट देखते हैं और नीचे कमेंट कर देते हैं कि वेदों में वर्ण व्यवस्था बताई गई, फिर आप नहीं जानते हैं, आपने वेदों को नहीं खोला है। मुझे क्लियर पता है ऐसी चीज कि आपने वेदों को देखा नहीं है, आप तभी कमेंट कर रहे हैं। जब आप वेदों को देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, वहां तो पूरी साइंस है, पूरा विज्ञान है, लोहा कैसे बनाया जाए, तांबा कैसे बनाया जाए, सांपों के विष को कैसे दूर किया जाए, यज्ञ हवन कैसे किया जाए, वातावरण की शुद्धि कैसे किया जाए, मेडिकल साइंस से संबंधित है, धनुष विद्या से संबंधित है, ये चीजें जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था वेदों में नहीं बताई गई। तो मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो हम बात कर रहे थे लोहार वंश के बारे में। तो लोहार वंश कितना पुराना है, कितना महात्म्य इसका रहा है, और कितना पुराना रहा है ये वंश, जिसने केमिकल यानी कि रसायन विज्ञान से संबंधित, जिसको आज केमिस्ट्री कहा जाता है, उस केमिस्ट्री को खोजने वाले महान लोग जिनको लोहार कहा जाता है, वो रावण के टाइम से ही मौजूद है इस पृथ्वी पर। तो बहुत ही पुराना इतिहास रहा है,
जो लोहार मित्र मेरे चैनल से जुड़े हैं वो भी वीडियो को लाइक करेंगे, ताकि मेरे वीडियो को लाइक करने से मुझे अप्रिशिएशन मिलता है और मैं और अच्छे काम करके वीडियोस के नए पार्ट्स लेकर सामने आता हूँ। तो मित्रों, मैंने बताया कि रावण के टाइम से ही लोहारों का उदय मिल सकता है। अब आप देखें तो रावण के जो कुछ अन्याय का एनालाइज करते हैं, कभी कभी कुछ मित्र मेरे आते हैं वो बताते हैं कि रावण ने ऐसा अच्छा काम किया था, ये अच्छा काम, बात सही थी, लेकिन रावण भी उस समय तो वही कर रहा था जो पाकिस्तान आज कर रहा है, घुसपैठ। उस समय भी रावण ने क्या किया था, भारत में तमिलनाडु एक्सेट्रा में अपनी चौकियां बना रखी थी, यहाँ के ऋषि महात्मा को पूजा पाठ इत्यादि में वो रोकता था, क्योंकि वो खुद एक साइंटिस्ट था और ध्यान करता था और उसको ज्ञान प्राप्त होता था, उसके बाद वो रिसर्चर्स के थ्रू विज्ञान का इस्तेमाल करते हुए सभी लोगों को, मानवों को अपना गुलाम बनाता था। तो वही चीज जब इंडियन ऋषि करने की कोशिश करते थे तो उनको रोकने के लिए उसने तमिलनाडु में छावनी बना रखी थी, बिल्कुल वही प्रक्रिया जैसे अमेरिका आज नहीं चाहता कि हम परमाणु से संबंधित चीजों के बहुत सारे रिसर्च करें। उस समय रावण अपने आप में बहुत बड़ा अमेरिका था, सारे साइंस सारे विज्ञान वो खुद रिसर्च करता था और लंका में ही वो सारे रिसर्चर्स को करवाता था। यदि आप जानते होंगे तो आप जानते होंगे कि कुंभकर्ण 6-6 महीने सोता रहता था। दोस्तों, वो सोता नहीं रहता, वैज्ञानिक तरीके से अगर हम सोचें तो हमको पता चलेगा कि वो 6-6 महीने अपने रिसर्चर्स में बिजी रहता था। तो उन रिसर्चर्स को रोकने के लिए रावण यहाँ तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में हमला करता था। ये सब उसकी बुराइयां थी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लिए देश राष्ट्र प्रेम सबसे बड़ा है। तो राष्ट्र प्रेम में जब राजा राम ने या भगवान श्री रामचंद्र ने रावण को मारा तो वो सही था, क्योंकि रावण भी वही सारे कार्य कर रहा था जो आज हमारे कुछ पड़ोसी दोस्त कर रहे हैं। पड़ोस मेरे के हमें अपने अमन चैन से रहने नहीं देते, हमारे यहाँ घुसपैठ करते हैं, यही सारे कार्य उस समय रावण भी कर रहा था। उसकी और कोई धार्मिक गलती नहीं थी कि वो हमेशा औरतों पर बलात्कार या ऐसे कार्य करता रहता था, बल्कि वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर इंडिया पे क्रिएट करता था। तो ये लोहार जाति के लोग उस काल से हैं, राजा राम के काल से भारत में भी पाए जाते थे और लंका में भी पाए जाते थे। ये आज कुछ चर्चा थी लोहार जाति के इतिहास के ऊपर। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, और मैं आपका मित्र वैद्य शिव कुमार वत्स आज आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।